चूक हो जाएगी ना अगर ये जाना नहीं कि जिसको हम दुनिया समझ रहे हैं वो चीज ही वैसी नहीं है जैसी प्रतीत हो रही है। केले को बैंगन समझ रहे हैं तो स्वाद कैसा आएगा? मैं दुनिया की ही चीजों की बात कर रहा हूं। कोई इंसान है दुनिया का जिसके बारे में आपका अभिमत, आपकी राय अपरिवर्तनीय रही है? जो कुछ जैसा कभी लगा है दो दिन बाद बदला हुआ लगा है, पर जो कुछ जैसा लग रहा होता है उस वक्त प्रामाणिक और पूरा पूरा लग रहा होता है। तो आप सौदा कर लेते हैं, आप रिश्ता बना लेते हैं और बाद में पता चलता है कि केला समझा था बैंगन था, और बैंगन भी यदि होता ही तो भी गनीमत थी। चार दिन बाद पता चलता है कि ये तो बैंगन भी नहीं था। वो वस्तु क्या है, वो हस्ती क्या है, ये मरते दम तक पता नहीं चलता। हां, वो चीज कभी अपने माथे पर ये लिखवा के नहीं आती कि मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझ रहे हो। वो अपना रंग बदलती रहती है, लेकिन एक वक्त पर एक ही रंग होता है और वो रंग बड़ा पक्का लगता है। अगले ही पल रंग बदल सकता है, पर जब बदल जाएगा उस क्षण भी आपको अपने पर भरोसा पूरा रहेगा कि अभी जो मुझे प्रतीत हो रहा है उसमें सत्यता है। ये बड़ी अजीब बात है। हमें जरा भी अपने ऊपर शुबहा होता ही नहीं है। हम ये मानने को तैयार होते हैं कि हम पीछे लगातार गलतियां करते आए हैं, और ये बात कभी कभी गर्व के साथ स्वीकार भी कर लेते हैं, घोषित भी कर देते हैं कि मैंने साहब अतीत में बड़ी गलतियां की। लेकिन ये मानना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि ठीक इस पल भी हम गलती कर रहे हैं। इस पल आप जैसे हैं, जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पूर्ण आश्वस्त रहती है। यही गड़बड़ हो जाती है ना। अपने दिमाग में भी जो थॉट्स भी आ रहे हैं वो भी कोई वो नहीं है, तो रिलाय तो किसी चीज पर फिर कर ही नहीं सकते। अभी जैसे लगता है चीज पर रिलाय करना, चीज पर भरोसा रखना, चीज को संबल या सहारा बनाना, यही आदमी का दुख है। और तुम चाह रहे हो कि ये दुख तुम्हें मिले, तुम कह रहे हो कि फिर किस पर भरोसा करें? तुम मत करो किसी पर भरोसा। तुम्हें क्या जरूरत है बैसाखी बनाने की किसी को भी? पर मन फिर भी मानता नहीं है। मन कहता है नहीं नहीं नहीं, कुछ तो चाहिए भरोसे के लिए। तो जानने वालों ने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम उस पर भरोसा करो, उसके अलावा कोई नहीं है भरोसे काबिल। उसके अलावा जिस पर भी भरोसा करोगे धोखा खाओगे, मात खाओगे, क्योंकि और कोई है नहीं इतना सामर्थ्यशाली कि तुम्हारी उम्मीदें पूरी कर सके। स्वभाव तुम्हारा अनंतता है और उम्मीदें भी तुम्हारी इसीलिए बहुत ज्यादा हैं, अनंत उम्मीदें हैं। तुम जिस पर भी भरोसा करोगे वो बेचारा छोटा सा, वो कैसे तुम्हारी उम्मीदें पूरी करेगा? उसको अपना ही पता नहीं। जैसे तुम केले को बैंगन मान रही हो,
वैसे ही केला गेंदे को गुलाब मान रहा है, तुम में और बेचारे केले में, तथा कथित केले में कोई अंतर थोड़ी ही है। जो हमारी हालत है वही हमारे पड़ोसी की हालत है। पूरी दुनिया का मर्मस्थल मूल में तो एक ही है ना। तो जो अपने आप को नहीं भरोसा दे सकता, जो अपना सहारा खुद नहीं हो सकता, वो तुम्हें क्या सहारा देगा। पर तुम्हें सहारा लेना जरूर है और उम्मीद तुम्हारी ये है कि बेसहारे को बेसहारा का सहारा मिलेगा तो दोनों को सहारा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। तुम गणित लगाते हो संसार का, तुम कहते हो संसार में पांच और पांच मिलके दस हो जाते हैं। संसार में आधा सिक्का और आधा सिक्का मिलके पूरा सिक्का हो जाते हैं। संसार में आधा और आधा एक होता है। तुम कहते हो शायद ऐसा ही मन की दुनिया में भी होता हो कि आधा और आधा एक हो जाता हो। नहीं, मन की दुनिया में उल्टा है। मन की दुनिया में आधे को अगर आधे की संगत मिल गई तो चौथाई बचेगा। मन की दुनिया में आधा आधे को ही खोजता है, क्योंकि तुम उसी को खोजोगे जो तुम्हारे ही जैसा है। आधे को पूरे से बड़ा डर लगेगा, तो आधा किसको खोज लेगा? आधे को। अब इन दोनों का मेल हो गया, जोड़ा बन गया, और आधे का जोड़ा बना नहीं कि बचा चौथाई। तुम सोचो रुपया मिल गया, बची है चवन्नी। मत खोजो सहारा। यहां कुछ भी ऐसा नहीं जो ज्ञात हो, और यहां कुछ भी ऐसा नहीं जो सहारा देने योग्य हो। और ये बात बड़ी अजीब है, जो तुम्हें लगता है कि ज्ञात है या कि जो तुम्हें लगता है कि अज्ञात है, वो सहारा तुम्हें दे नहीं सकता। और सहारा तुम्हें देगा कौन? वो जो ज्ञात अज्ञात से भी कहीं कम ज्ञात है। जो अज्ञेय है उसका सहारा मिल जाता है। जिसका तुम्हें पता है थोड़ा बहुत भी, उसका तुम्हें कोई सहारा चलेगा नहीं। और जिसका पता तुम्हें चल ही नहीं सकता, उसके सहारे के क्या कहने। तुम्हें तो गुप्त सहारा ही चाहिए। प्रकट सहारा वो जो तुम्हें तुम्हारी मर्जी से मिला, गुप्त सहारा वो जो तुम्हें तुम्हारे ज्ञान के बिना मिल जाए, वो सहारा जिसके बारे में तुम कभी चैतन्य नहीं हो सकते, वो सहारा जिसकी विधियों से तुम कभी परिचित नहीं हो सकते। तुम जब भी कहोगे मुझे सहारा चाहिए, तुम सहारा कहोगे कि तुम्हें तुम्हारे तरीके से चाहिए। तुम पहले ही परिभाषित कर दोगे कि मुझे सहारा इस तरह से दीजिए, और परिभाषित करने की तुम्हारी योग्यता नहीं। कि जैसे कोई पागल खुद ही निर्धारित करे कि मुझे डॉक्टर साहब क्या क्या दवाइयां दीजिए। जैसे कोई पागल निर्धारित करे कि मेरे लिए इस प्रकार की चिकित्सा उचित है, ये सहारा चाहिए मुझे। तुम जब भी निर्धारित करोगे कि तुम्हें क्या सहारा चाहिए, तुम यही प्रमाणित करोगे कि न सिर्फ तुम पागल हो बल्कि पागल बने ही रहने वाले हो। तुम्हें तो वही सहारा चलेगा जो तुम्हें नींद में मिल जाए, जो तुम्हें गुप्त खुफिया तरीके से मिल जाए, तुम्हें पता भी न चले और तुम्हें सहारा मिल जाए। जैसे छोटा बच्चा हो, उसको सामने से दिखाया जाए झुनझुना और पीछे से लगा दिया जाए इंजेक्शन, वो तो यही सोच रहा है कि मुझे खेल खिलौने दिए जा रहे हैं, मनोरंजन हो रहा है मेरा, और गुप्त सहारा दे दिया गया पीछे से। तभी तुम्हें मिल सकता है सहारा। सत्रों में भी ऐसा ही होता है, मैं तुम्हें शब्द जाल में उलझा लेता हूं, तुम शब्दों में खो जाते हो, असली काम नीचे नीचे होता है, वो तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हें पता चल गया तो तुम उसे बाधित कर दोगे, होने ही नहीं दोगे। तुम कहोगे अरे खतरा आ रहा है हमारे लिए, इसको रोको, तो तुम्हारे मन को झुंझुने दिए जाते हैं। लो ये सुनो, लो ये देखो,
और नीचे ही नीचे मौन में, शांति में, ध्यान में जो असली काम है वो हो जाता है। तो असली सहारा वहां भी तुम्हें तुम्हारे ज्ञान के बिना मिलता है। तुम्हें बता दिया, तुम गड़बड़ कर दो। तुम्हें ये भी कैसे पता कि सही नहीं था? ये बात भी तुमने बड़ी आश्वस्ति से कह दी। तुम बस ये कहो कि जो भी सोचा समझा उसके केंद्र में मैं बैठी थी और मैं तो जैसी हूं वैसी हुई। ये मत कहो कि मैंने जो सोचा समझा वो गलत था, क्योंकि किसी चीज को प्रामाणिक तौर पर गलत कहने के लिए भी सत्य पर केंद्रित होना पड़ता है और अभी तुम वहां हो नहीं। तो न तुम ये कह सकती हो कि बैंगन बैंगन है, न तुम ये कह सकती हो कि बैंगन केला है। तुम अभी अपने विचारों के बारे में, दुनिया के बारे में कुछ कहो ही मत। ये कहना भी जिद होगी कि जो मैं सोचती हूं वो सब सही है, और ये कहना भी बड़ी अकड़ की बात होगी कि मैं जो सोचती हूँ वो सब गलत है। क्योंकि अगर तुम जो कुछ सोचती हो वो गलत है तो कम से कम एक चीज तो है जो तुमने सही सोच ली। क्या? कि तुम जो सोचती हो गलत है। फिर देखो आ गया ना हम, तो तुम तो कहो मुझे ऐसा लगता है और यहीं रुक जाओ। सही है गलत है कौन जाने, बस मुझे ऐसा लग रहा है। ये मत कह देना कि मुझे जो लग रहा है वही ठीक है, बस ये कहो मुझे ऐसा लग रहा है। यहां तक कहा तो ठीक कहा।